नमस्कार, युद्ध दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। भाजपा ने पूछे आप संयोजक अरविंद केजरीवाल से 5 सवाल। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आक्रामक होते हुए भाजपा ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से 5 सवाल पूछे हैं। पार्टी ने कहा है कि वह केजरीवाल से हर दिन 5 सवाल पूछेगी। भाजपा का मानना है कि केजरीवाल की कथनी और करनी में काफी अंतर है। भाजपा ने केजरीवाल से पूछा कि पिछले चुनाव में उन्होंने कांग्रेस से समर्थन नहीं लेने का वादा किया था, लेकिन फिर पलट गए और कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई। दूसरे सवाल में भाजपा ने पूछा कि सरकार बनाने के बाद शीला दीक्षित के खिलाफ जांच का वादा पूरा क्यों नहीं किया। केजरीवाल ने जून 2013 में कहा था कि सुरक्षा नहीं लेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने सुरक्षा क्यों ली। भाजपा ने पूछा कि केजरीवाल शपथ लेने तो मेट्रो से गए, लेकिन सरकारी कामकाज के लिए बड़ी गाड़ियों का इस्तेमाल क्यों किया। भगवा पार्टी ने अंतिम सवाल में पूछा कि चंदे के लिए उन्होंने बिजनेस क्लास में यात्रा क्यों की। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि सभी सवाल पुराने हैं, बहस कीजिए, हम सभी सवालों के जवाब देंगे। शहीद कर्नल एमएन राय को अंतिम विदाई देते वक्त बिलख पड़ी बेटी। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकवादियों से लड़ते हुए 27 जनवरी को शहीद हुए कर्नल एमएन राय का आज पूरे सैनिक सम्मान के साथ दिल्ली में अंतिम संस्कार किया गया। उनका शव कश्मीर से दिल्ली लाया गया था। बिलखते हुए बेटी ने पिता को आखिरी सलामी दी। शहीद कर्नल को आज सेना प्रमुख जनरल दलवीर सिंह सुहाग समेत अन्य सैन्य अधिकारियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर मौजूद सैकड़ों लोगों की आंखों में आंसू छलक आए। दो हजार सोलह का 2020 वर्ल्ड कप भारत में। भारत वर्ष 2016 में 11 मार्च से 3 अप्रैल तक चलने वाले 2020 विश्व कप का मेजबान होगा। इंग्लैंड वर्ष 2019 में इस प्रारूप में टूर्नामेंट की मेजबानी की जिम्मेदारी संभालेगा। आईसीसी ने वर्ष 2015 में यहां हुई अपनी पहली बैठक में अपने निर्णय की जानकारी दी। भारत की मेजबानी में टूर्नामेंट 11 मार्च से 3 अप्रैल तक चलेगा। इसके लिए इस वर्ष 6 से 26 जुलाई के बीच आयरलैंड और स्कॉटलैंड में क्वालिफायर खेले जाएंगे। ओलंपिक स्वर्ण विजेता को अब सरकार देगी 75 लाख रुपए। खेल मंत्रालय ने ओलंपिक, एशियाई, राष्ट्रमंडल खेलों जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में देश के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों तथा उनके कोचों की इनामी राशि में भारी बढ़ोतरी की है। खेल मंत्रालय की योजना के तहत अब शीत और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेताओं को क्रमशः 50, 30 और 20 लाख रुपए की बजाय 75, 50 और 30 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। इसके अलावा एशियाई तथा राष्ट्रमंडल खेलों में बढ़ी हुई इनामी राशि के तहत स्वर्ण के लिए 30 लाख, रजत के लिए 20 और कांस्य के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इससे पहले यह राशि क्रमशः 20, 10 और 6 लाख रुपए थी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए www.webdunia.com। नमस्कार।